YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षा संघ के बैनर तले अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्यभर के शिक्षक 25 नवंबर से जिला मुख्यालय पर रोषपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। शिक्षक संघ के पलामू जिलाध्यक्ष सुधीर दुबे ने इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान समय में प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक शिक्षिकाएं अपने आप को सरकार के शिक्षक विरोधी नीतियों की वजह से उपेक्षित व प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। कहा कि शिक्षकों के लंबित 19 सूत्री मांगों के समर्थन में विगत 29 अप्रैल को धरना कार्यक्रम के दौरान मांगे पूरी कराने संबंधी मिले आश्वासनों से सरकार पूरी तरह से मुकर गई है और ऐसी परिस्थिति में शनिवार को धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार की तंद्रा को भंग कर मांगे पूरी कराने पर विवश किया जाएगा। 19 सूत्री मांगों के तहत पूरे राज्य के शिक्षक कल दिनांक 25 तारीख को हर एक जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्य कर रहे हैं। अपने 19 सूत्री मांगों को लेकर के 19 अप्रैल 2017 को माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने एक विराट प्रदर्शन किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद भी शिक्षकों से संबंधित लंबित मामलों पर आज तक कोई विचार नहीं किया गया। बाध्य होकर के पूरे राज्य के शिक्षक आंदोलन के मूड में हैं और अब आंदोलन की तिथि 12 घंटे के बाद हम लोगों के सामने है। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या थी? हमारी मुख्य मांगे, हम शिक्षक हैं, हमको शिक्षक रहने दिया जाए, हमारे पास से तमाम तरह के गैर शैक्षणिक कार्यों को मुक्त किया जाए, पहली प्रायोरिटी में हमारी है। हमारे जो शिक्षक सुदूरवर्ती इलाकों में पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कैबिनेट से पारित उत्क्रमण वेतनमान को यथाशीघ्र लागू किया जाए। स्वास्थ्य बीमा योजना जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा पारित की गई है उसको यथाशीघ्र लागू किया जाए। पुरानी पेंशन योजना को चालू किया जाए। जो नई पेंशन योजना 2003 के बाद हमारे नियुक्त कर्मचारी और शिक्षक भाई हैं वो पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। दूसरी की नियमावली 93 है, जो प्रोन्नति नियमावली, इससे हमारे बहुत सारे सीनियर शिक्षक जो 25 वर्षों से 30 वर्षों से कार्य कर रहे हैं वो आज एक ही ग्रेड में काम कर रहे हैं, उनका प्रोन्नति नहीं हो पा रहा है। इसलिए नियमावली 93 को निरस्त करके एक सरल नियमावली बनाई जाए, सीधा सीधा कि जिस शिक्षकों की सेवा 13 वर्ष हो गई है उनको ग्रेड 7 में सीधे दे दिया जाए। और कुछ मांगे हैं आपकी? मकान भाड़ा और हमारी है कि आवास भत्ता, जो हमारा कमिटमेंट है राज्य सरकार के साथ कि केंद्र सरकार जो अपने कर्मचारियों को देगी वो स्वतः हमको दे देगी, लेकिन आज तक रघुवर सरकार के नेतृत्व में जो ये सरकार चल रही है राज्य में हमें आवास भत्ता मुहैया नहीं कराई जा रही है। ऐसी 19 सूत्री मांगे हैं जो बहुत ही आवश्यक हैं, शिक्षक के हित से जुड़ा हुआ है। इन तमाम मांगों को यदि सरकार नहीं मानती है तो कल के आंदोलन के बाद भी अगली रणनीति की घोषणा की जाएगी और यह जो लड़ाई, यह जो आंदोलन संघर्ष प्रारंभ किया गया है शिक्षक संघ के द्वारा, यह तब तक शांत नहीं होगा जब तक हमारे शिक्षकों की तमाम समस्याएं का समाधान हो सके।